वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे मैंने नवान मंत्र का जप शुरू किया और मेरी लाइफ में उसके 100% पॉजिटिव रिजल्ट आए और मात्र 3 दिन में ही मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होना शुरू हो गई। जैसे जैसे मुझे लगता था मेरे मन में हर चीज़ को लेकर डर रहता था, वो डर ख़त्म हो गया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और हर वक्त मैं देवी माता की प्रेजेंस अपने पास महसूस करती हूँ। सच बता रही हूँ, आप इस तरीके से अगर मंत्र करना शुरू करें, नवान मंत्र, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी और बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल को देखा और वहाँ पे नवान मंत्र के बारे में दिया था, तो मतलब बहुत लोग कुछ सिद्धि वगैरह प्राप्त करने के लिए नवान मंत्र का जप शुरू करते हैं, तो पहले ही बार में वो 11 लाख वगैरह, मुझे एग्जैक्ट काउंट नहीं पता, बट वो जितने की भी संकल्प लेते हैं उतना शुरू कर देते हैं। पहले दिन से ही वो इतना ज़्यादा मंत्र पढ़ लेते हैं, कि कई लोगों को ऐसा रिजल्ट मिलता है कि वो कहते हैं कुछ दिन बाद वो बीमार पड़ गए। अच्छा, मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस और बताती हूँ कि शुरू शुरू में मेरे मन में भी कुछ विश थी और आई होप आप सबके मन में विश होती है। उस विश को पूरा करने के लिए हम सोचते हैं कौन से ऐसे भयंकर मंत्र, तीव्र से तीव्र मंत्र की हम साधना शुरू करें कि वो हमारी विश जल्दी से पूरी हो जाए, और यहीं हम गलती कर जाते हैं। आपको पता है मंत्र जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती बट वो इतनी पावरफुल होती है ना कि उन पे अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बिजली का एग्जांपल दूंगी। बिजली आपको दिखती नहीं है लेकिन वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है ये आप उसे महसूस कर सकते हैं। मंत्र भी इसी तरीके से होता है, बिजली की तरह ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है ये आप नहीं सोच सकते। और फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये अप्रैल की बात है, मैं बिना कुछ सोचे समझे माँ काली की साधना शुरू कर दी थी अपनी विश को लेकर के। फिर मुझे नहीं पता था कि ये मंत्र माँ काली का इतना स्ट्रॉन्ग मंत्र है, कि मैं उसकी जो पावर होती है वो मैं झेल नहीं पाई और फिर मैं बहुत ही बुरा बीमार पड़ी। फिर उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि मतलब हर मंत्र जो होती है उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है और माँ काली के पास तो बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। उनकी जो मंत्र है वो माँ काली जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके का उनकी शक्ति होती है। उनमें मतलब नॉर्मल शांत शक्ति नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा तेज शक्तियाँ होती हैं उनमें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब बात करते हैं नवान मंत्र की। तो इस तरीके से मैं नवान मंत्र शुरू की हूँ, मेरी लाइफ में जो है बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो सबसे पहले मैं सप्तशती पाठ की किताब उठाती हूँ, उसमें माँ दुर्गा के 108 नामों का वर्णन है शुरुआत में ही, तो आप वो पढ़िए, माँ को प्रणाम कीजिए, फिर पुस्तक पूजन कीजिए, फिर उसके बाद जो है पुस्तक पूजन के बाद आप अगर चाहे टाइम हो तो रक्षा कवच और अर्गला पढ़ सकते हैं, फिर कुंजिका पढ़िए। अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली जो है कुंजिका स्रोत पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर आप कुंजिका स्रोत पढ़ने के बाद माँ दुर्गा के ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय मंत्र माला की एक जप कीजिए, मतलब पूरी माला की एक बार जप कीजिए। फिर आप क्षमा प्रार्थना होती है उसी सप्तशती पाठ में, कुंजिका स्रोत से पहले ही होती है वो, आप देखेंगे तो मिल जाएगी। क्षमा प्रार्थना आप कीजिए, फिर पुस्तक बंद करके माँ से क्षमा मांगिए और माँ की आरती उतारिए। इस तरीके से आप अगर हर दिन 2 बार जप करेंगे तो आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं इसको कर रही हूँ, मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स आती कहाँ हैं और कब हैं। बहुत लोग मंत्र को जैसे होता है ना कि कहते हैं कि 125,000 बार अगर कोई भी मंत्र आपके मुंह से जप हो गया तो वो सिद्ध हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही एकाएक कई सारी मालाओं का जप करना शुरू कर देते हैं और उनको ये नहीं पता है कि इस मंत्र में इतनी एनर्जी है ना कि ये मंत्र आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज लाएगा। और एकाएक आप एनर्जी को
लेना शुरू कर देंगे तो फिर मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि आप हो, आपके सामने बहुत प्लेट में ढेर सारा खाना रख दिया जाए और कहा जाए ये सारा खाना खाओ, 20-25 थाली खाना, ठीक है, तो और आपके सामने ये कहा ही जाए कि आपको ये 20-25 थाली खाना ख़त्म ही ख़त्म करना है, तो क्या आप ख़त्म कर पाएंगे वो खाना? नहीं कर पाएंगे ना, आपका पेट खराब हो जाएगा, फट जाएगा। उसी तरीके से मंत्र भी होता है, एकाएक आप इसकी एनर्जी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। ये इतना चमत्कारी मंत्र है कि आप पर डे अगर जप कर रहे हैं इसका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, तो ये आपकी लाइफ में बहुत मिराकुलस चेंज लाएगा। और दूसरी बात कि इस मंत्र को जब भी जप करें, महादेव जी को अपना गुरु बनाएं, या कोई गुरु हो तो ज़्यादा अच्छा हो, जिसके पास गुरु नहीं है वो महादेव जी को अपना गुरु बनाए। और महादेव जी को गुरु बनाने की जो विधि है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ उसको एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद महादेव जी को गुरु बनाने के बाद अगर आप नवार्ण मंत्र करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और गुरु अगर नहीं भी है तो भी महादेव जी को गुरु बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्सेस एनर्जी होंगी वो गुरु हमारी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तो महादेव जी बैलेंस कर लेंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और प्लीज़ आप एकाएक मंत्र एकदम शुरू मत कर दीजिए कि एकदम से आप बहुत ज़्यादा मंत्र जप करना शुरू कर दिए हैं। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगी जब भी आप ये मंत्र जब शुरू कीजिए, अपने मन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रखिए, किसी तरीके का कोई नेगेटिव विचार ना हो और किसी का आहित मत कीजिए, एकदम प्योर मन से शुरू कीजिए। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, मंत्र सारे अच्छे होते हैं, माता रानी का बहुत ही पावन मंत्र है, ये जिंदगी में बहुत तरक्की लाता है। मंत्र जप तो सबको रोज करना चाहिए। माँ इतनी दयालु है कि अगर आप उनके चरणों में जाकर एक बार जगदम्ब कह के पुकारेंगे ना, वो आपके कल्याण के लिए हर रास्ता बना देंगी। माँ पर भरोसा रखिए, श्रद्धा भाव से माँ के चरणों में जाइए। मनोकामना, लालच, ये सब तो एक भौतिक सुख है, इनके पीछे मत भागिए। एक बार आप माँ की भक्ति में लीन तो होइए, फिर आप उसका रिजल्ट देखेंगे और दंग रह जाएंगे। आप कुछ दिन बाद जब आप कर लेंगे नवार्ण मंत्र, आपका 5 से 6 दिन बीत जाएगा, फिर आप अपनी लाइफ में एक चेंज देखेंगे कि आपके मुंह से जो निकल रहा है कहीं ना कहीं वो सच हो रहा है। आप ऑटोमेटिक माँ की भक्ति में इतना ज़्यादा लीन हो जाएंगे कि फिर आपकी जो मनोकामना वगैरह है वो सब एकदम छोटी लगने लगेगी, सब कुछ एकदम डिफरेंट लगेगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीवन, और प्लीज़ ऐसे ही मंत्र को कीजिएगा।